नमस्कार। तुम नहीं आए थे जब, तुम नहीं आए थे जब, तब भी तो मौजूद थे तुम। आंख में नूर की और दिल में लहू की सूरत, दर्द की लौ की तरह, प्यार की खुशबू की तरह, बेवफा वादों की दिलदारी का अंदाज लिए। तुम नहीं आओगे जब, तब भी तो तुम आओगे, यादों की तरह धड़कते हुए दिल की सूरत। आओ आने की करें बात कि तुम आए हो। अब तुम आए हो तो मैं कौन सी शय तुमको नजर करूं। अली सरदार जाफरी साहब लिखते हैं और बहुत ही खूबसूरत लिखते हैं। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीजन 3 में आज हमारे साथ एक बहुत ही खास शख्सियत है। ही इज वन ऑफ द इंडियाज वेल नोन वेटरन थिएटर एक्टर डायरेक्टर, ग्रेजुएटेड फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। ही इज थिएटर एक्टर, फिल्म पर्सन, कल्चरल एक्टिविस्ट। उनको उनके रंगमंच में योगदान के लिए बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 1980 में संस्कृत सम्मान से उन्हें सम्मानित किया गया। 1981 में साहित्य कला परिषद पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया। 1982 में बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर बाय वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट। 1987 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड बाय पंजाबी अकादमी। स्वर्ण पदक पुरस्कार फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ जेएंडके इन 1996। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए 1995 में। हिंदी अकादमी शिखर सम्मान उन्हें मिला 2018 में। एंड आई एम सो प्राउड कि वो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, और सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर मेरे दिल के कितना करीब है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बहुत ही खास मेहमान हमारे आज के, श्री एम के रैना सर। सर बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार सर, बहुत नमस्कार, और शिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। अभी तो चल ही रहा है शिवरात्रि का। जी सर, जी सर, सर हमारे साथ बहुत सारे एस्टीम व्यूअर्स जुड़ चुके हैं। अनीस आजमी सर हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं बहुत देर की इंशाल्लाह, आते आते मेहरबान, आते आते। अनीस सर लिखते हैं, अर्चना प्रभा, अनीस आजमी सर लिखते हैं बहुत देर की मेहरबान, आते आते। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़े हैं, अर्चना प्रभाकर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, सरला मेहता जी हमारे साथ जुड़े हैं, शहजाद हुसैन साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ जितने भी एस्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं। युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत। जस किरण चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, रंगकर्मी हैं, बहुत बहुत स्वागत। सर मैं तो एक सवाल सबसे पहले आपसे पूछूंगी, क्योंकि हमारा जो ये प्रोग्राम है ये खास तौर पे युवा पीढ़ी के लिए है। तो मेरा पहला सवाल, कश्मीर से एनएसडी तक का जो आपका सफर रहा, कितना चैलेंजिंग रहा वो सफर? आई थिंक ये नेचुरली था, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ता था कश्मीर में, हिंदू हाई स्कूल में, उसके प्रिंसिपल हमारे थे बहुत कवि कश्मीर के, दीनानाथ नादिम। नादिम तो सर, ही नादिम वाज सर, फादर फिगर टू अस ऑल। तो हम जब छोटे थे, चौथी के पांचवी में पढ़ते थे, तो उन्होंने एक ओपेरा लिखा, नेकी बदी, जो आज तक तो कहीं मिल नहीं रहा है। और उसको हमने किया था जश्न कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर का पहला जश्न कश्मीर हो रहा था। तो इट बिकेम अ सुपर सुपर हिट ऑफ चिल्ड्रंस प्लेस। सच्ची कहूँ तो मुझे तो लगता है कि कहीं एज ए ट्रिब्यूट दैट ग्रेट वो मिल नहीं रहा है कहीं। वहाँ एक्टर का जैसे शुरू हुआ होता है, और माहौल कश्मीर का उन दिनों बहुत ही प्रोग्रेसिव था, बहुत ही सिंक्रेटिक था, बहुत ही उम्मीदों से भरा हुआ था। तो हमें जो परवरिश उस प्ले के थ्रू, और जो जान पहचान एज ए बच्चा बड़े राइटर्स के साथ, तो अमीर कामिल को आई न्यू फ्रॉम माय चाइल्डहुड, रहमान ने शमी शमीम, वो क्या नाम, गुलाम रसूल संतो, जी राज अपना ये पापा जी हमको बोलते थे, ये सारे दे वर द वेटरन्स ऑफ कल्चर दैट टाइम। एंड वो They used to patronize us like children, मतलब कि बहुत कुछ सिखाते थे, हाथ पकड़ के चलो, मतलब यहाँ तक कि कभी जब रिहर्सल करके आता था, किसी के बाइसिकल पे पीछे मुझको बिठा के घर छोड़ते थे। और उन दिनों में एक, जहाँ मैं रहता था उसके नज़दीक ही एक क्रालोकट बोलते, उधर सेकंड ब्रिज के पास है, बाकदर के पास, वहाँ पर एक म्यूजिक स्कूल होता था, प्रेम संगीत निकेतन। और उन उस निकेतन के जो प्रिंसिपल थे जगन्नाथ शिवपुरी, इज द मोस्ट अनसंग ग्रेट म्यूजिशियन ऑफ इंडिया, ऑफ कश्मीर पर्टिकुलरली। ही डाइड आई वुड से विद द
of being given his due to him, but he created so many musicians. School बहुत चलता था, सारे पता नहीं 50 लोग तो 40 50 और 60 70 लोग आते थे दिन भर वहाँ म्यूजिक सीखने के लिए. तो मैंने भी वहाँ म्यूजिक सीखा, मैं वहाँ संगीत विशारद ने क्या उसे एक कम पहले क्या मध्यमा तक तो पहुँच गया मैं, लेकिन उसके मैं छोटा था, 10वीं तक इतना क्या बहुत हो गया. और उसके बाद नेचुरली कश्मीरी बच्चे का क्या होता है, उसको मेडिकल पढ़ना है नॉन मेडिकल पढ़ना है, तो मुझको कहा गया कि अब तू कॉलेज जा रहा है. उस कॉलेज से मैं एक बच्चा एक्टर था, किसी भी कश्मीरी ग्रुप को अगर बच्चे की जरूरत थी तो मुझको पकड़ते थे. तो उस तरह से मैं कला केंद्र एक बहुत महत्वपूर्ण वहां पर हमारा एक ग्रुप था जिसका मैं बच्चा था. उसमें सूरज प्लस सेट डिजाइनर, उसमें क्या नाम उनका राजान साहब, अपना ये पुष्कर बान साधु साहब. सो आई यूज्ड टू गो टू बच्चों का उनका एक शो होता था, उसमें भी हम जाते थे कभी कभार. तो मेरे मतलब चारों तरफ से, एंड इट वाज अ वंडरफुल कश्मीर दैट टाइम. You will not believe, as a child, I was invited to Begum Akhtar's concerts. I have seen Briju Maharaj, I have seen Mohammad Rafi like that, I have seen Zakhmi Sahab, Kawal hote the, aate the. So I have seen all these people performing and I was a kid watching this all. Shayad kahin se aise isi mein kuch achhe achhe sur kaan mein aaye, dimaag mein aaye. I proceeded. कॉलेज में ड्रामा करते थे, लेकिन कला केंद्र के साथ मेरा ज्यादा रहता रहा एज एन एक्टर. जब मैं टीनेजर भी हो गया तो उनके प्लेस में काम करता था. वो मोस्टली सोशल ड्रामास करते थे, सोशल. और शिवाला एक मंदिर है हमारे चोट बाजार के पास, वहाँ एक थिएटर था वाकायदा. और मेरे मोहल्ले शीतलनाथ में जहाँ हिंदू हाई स्कूल है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर कश्मीरी पंडित सोशल पोलिटिकल बेस, वहाँ पर भी बचपन में थिएटर देखा मैंने. वहाँ भी एक हिंदू हाई स्कूल का सेकंड फ्लोर जिसे आप कह सकते हैं आज, वहाँ भी एक थिएटर था. और आंगन में ब्रारू साहब वहाँ पर सेट लगाते थे और मैंने उनका हवा खातून की रिहर्सल देखी है, ब्यूटीफुल सेट बना था वो. तो एंड दिस वाज द माहौल जिसमें हम बड़े. तो थिएटर वालों ने मुझे याद है अपना केमू साहब, मोतीलाल केमू, वो मुझे हाथ पकड़ के भांडू को इंट्रोड्यूस कराए दिखाते थे. और अपना ये सूरज तुक्कू ने बोला, वो दिल्ली आए थे अपना सॉन्ग ड्रामा डिवीजन में थे सेट डिजाइनर, तुम यहाँ नहीं रहेगा, तुम्हें जाना चाहिए वहाँ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा. हमें कोई खास पता नहीं था. फिर मेरे प्रदेश ने मुझे स्कॉलरशिप दिया जिससे मैं एनएसडी में दाखिला लिया, तो एनएसडी पहुंच गए. सो स्टेट वाज वेरी मच रिस्पॉन्सिबल फॉर माई शेपिंग माई डेस्टिनी, आई वुड से. जी बिल्कुल, बहुत ही सही कहा आपने सर. मैं ये कश्मीर में अगर हम अगर बात करते हैं कि जब हम बात करते हैं थिएटर एज ए थेरेपी की, तो आपका एक बहुत बड़ा योगदान है कश्मीर में थिएटर को उस वक्त करना, एज ए थेरेपी इंट्रोड्यूस करना जब कश्मीर में हालात बहुत मुश्किल थे, तो उसमें क्या कहेंगे सर आप, क्योंकि उस वक्त थिएटर एज ए थेरेपी आपका बहुत बड़ा अपने का योगदान है इसमें. देखो मैं ये मैंने क्योंकि साइंटिस्ट बेसिकली फिजिसिस्ट, बट उन्होंने चिल्ड्रन एजुकेशन में अपना पूरा जीवन व्यतीत किया. विनोद रायना, ही इज अ बिग नेम इन लिटरेसी मूवमेंट इन इंडिया, ही पास्ड अवे वेरी यंग, बट वो मुझे रोप इन किया लिटरेसी मिशन में. तो मैं लिटरेसी मिशन जो देश में चल रहा था, एक बहुत बड़ा कहते थे आज़ादी की दूसरी लड़ाई, अगर पढ़ेंगे लोग लिखेंगे तो आज़ादी दूसरे किस्म की आएगी, देश अच्छा बनेगा. तो उनके साथ मैंने बहुत सारे डिवाइसेस प्रोग्राम किए थे, हम कैसे कल्चर को यूज करेंगे एजुकेशन के लिए. वहीं पर ये ख्याल आता गया कि थिएटर कैन बी यूज्ड एज ए थेरेपी, लिबरेटिंग माइंड एंड बॉडी. अब यहाँ तो हम एक्टिविज्म में बहुत काम कर रहे थे, बहुत सारे मोर्चों पे होते थे, बहुत सारे कल्चरल मूवमेंट्स में होते थे दिल्ली और देश में. इतने में अपना घर ही लुट गया, कश्मीर खत्म होने लग गया. मतलब जो यार दोस्त थे कहाँ गए, वो मेरे पास एक पूरी डायरेक्टरी अब है सिर्फ कश्मीरी एड्रेसेस की और फोनों की. काफी दोस्त मुझसे फोन पूछते हैं, अरे फलानी का फोन नंबर बता दे.
इतने में वो चला गया होता, कहीं और चला गया होता है। और इतने में क्योंकि मेरा बहुत समाज के साथ काम करने का मेरा करियर, सब जानते हैं मैंने क्या किया है, तो मुझे लगता है अगर मैं यहाँ करता हूँ तो मैं कश्मीर में क्यों अपनी अपने पतन में क्यों नहीं कर सकता, अपने अपने जहाँ मैं पैदा हुआ हूँ। तो जिन हालात में मेरे माँ बाप वहाँ से निकले थे, देवर नॉट गुड, देवर वेरी सैड, तो वो कहानी बिल्कुल ट्रेजिक कहानी अलग है, वो सबके घरों में है, वो सब पता है। लेकिन साथ साथ आप, मेरी नींद नहीं आती थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हर बार आपको क्या बताऊंगा, एक बार मुझे याद है माए इस वक्त मौली फारूक की डेथ हुई, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड टू मी, मैंने कहा बहुत बुरा हुआ, इट्स गोइंग टू टर्न वायलेंट। लेकिन हर बार जब रहता था, पढ़ता था अखबार, न्यूज़ सुनता था, अरे ये लगता था यार कुछ कर तो सकता क्या मैं, है कोई जगह जहाँ कल्चर काम कर सकता। तो एक दिन मैंने ऐसे ही गाड़ी पकड़ी और मैं पहुंच गया श्रीनगर, पता नहीं था रायम का कहा रात को। वो मेरे दोस्त जो वहाँ छोटे लोकल दोस्त थे, मेरे जूनियर थे जिनको मैंने वर्कशॉप्स में काम कराया था यहाँ, तो एक छोटा सा होटल हार्डली 300 रुपये का, लैम्बर्ट लेन में रूबी होटल उसका नाम है, वहाँ करगिल के लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ मुझे कमरा मिला। वो मैं थोड़ा सिक्योर भी फील कर रहा, हालात इतने ख़राब थे, 4 बजे श्रीनगर शहर सारा मर जाता था, घरों के अंदर अंदर लोग बाहर, या तो सिक्योरिटी पीपल या पीपल हु वेयर द गन्स। तो वहाँ वो रूबी में जो थे वो वहाँ हाजी साहब थे जो चलाते थे, तो मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि ये मेरे घर के नज़दीक है, मैं यहीं पढ़ा लिखा हूँ, एसपी कॉलेज में हूँ, तो ये मेरे एक गली दूर हूँ अपने जहाँ मेरा घर था, तो इट वॉज अ सिक्योर, हर गली जानता था, कुछ जानता था मैं। तो फिर वहाँ से मैंने कुछ दोस्त मिले, कुछ साथी मिले, डर में एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए, क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत बहस हुई हमारे दोस्तों की, मतलब कुछ सिविल सर्वेंट्स थे, कुछ टीचर्स थे, कुछ पोएट्स थे, उनको समझ नहीं आ रहा ये बंदा क्यों आया है, क्या चाहता है। तो मैंने कहा चलो देखो पॉलिटिक्स तो बहुत यहाँ सड़ा हुआ है, हम लोग वो काम करें जिसके लिए हमें कोई चाहेगा नहीं, हम काम करेंगे एनवायरमेंट का, हम काम करेंगे ऑर्फन बच्चों का, वो बच्चे जिन्होंने अपने माँ बाप खोए हैं। तो वो काम धीरे धीरे हमने शुरू किया, लेकिन बच्चों को जब मैं मिला, मुझे आज भी याद है, 50 बच्चे थे, कोई 30 बच्चे आए थे वैली से और 20 थे कैंप से, माइग्रेंट कैंप से, क्योंकि पहले उन्होंने कहा तू मरवा देगा, ये 2 कैंप से बच्चों को लाना अच्छा नहीं होगा क्योंकि इनको सबको एक दूसरे के खिलाफ बताएगा। मैंने कहा मुझे नहीं, तब बच्चा ऐसा नहीं होता बच्चे की, मेरी समझ जो है, एन मौके तक मुझे दोस्त करते रहे, आर यू श्योर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, कुछ भी एक्सप्लोजन हो सकता है। तो एक दो दिन पहले मुझे थोड़ा डर लगा, बार बार कहते हैं, तो मैं कहा एक चीज करोगे मेरे लिए, इन बच्चों की कुछ माएं भी कैंप में आएगी मेरे, तो वो क्या करेंगी, मैं कहा वो कुशन बनेंगी, जब हम फेल हो जाएंगे ये माएं वात्सल्य रस लेके आएंगी, तुम देखना बहुत काम होगा, हमारा एक इंटरफेस इनके थ्रू होगा। वो माएं आई और वाकई उनको काम कुछ नहीं था, बैठती थी हमारे साथ, बट दे यूज्ड टू पार्टिसिपेट, एंड जब भी थोड़ा सा टेंशन आता दे विल लिटरली टेक ओवर लाइक मदर्स टू काम इट। तो उससे हमने 12-13 दिन इन बच्चों को, पहला मैंने कहा कि इन बच्चों ने पूरा दिन नहीं देखा है जिंदगी का, इनको अंदर रखा जाता है, दोपहर के बाद स्कूल नहीं है, मैं चाहता हूँ कि मुझे ऐसी जगह कोई मिल जाए मेरे साथ 24 घंटे रहे, मेरा शहर बदल कर दो जी, मुझे जम्मू दे जाओ, जम्मू में आपको पता है वहां पर एक धर्मशाला है अपना स्टेशन के बाहर, धाम से कोई बड़ी धर्मशाला है, बहुत सुंदर सी है, उन्होंने हमें जगह दे दी बच्चों के लिए मुफ्त। बाद जम्मू यूनिवर्सिटी में हमें जिम्नेजियम मिल गया काम करने के लिए, मैं कहा हो गया काम अपना, हम भी वही रहे, बच्चे भी वही धर्मशाला में रहे, खाना पीना काम करना। वो धीरे धीरे पहला घंटा जो मुझे याद है वो ऐसा था जैसे डरे हुए कबूतर होते हैं ना, वैसे ये बच्चे थे, बोल नहीं थे, आंख से आंख नहीं मिलाते थे, टेंस थे, जो पूछे उसी का जवाब, हंसना, बचपन था ही नहीं उनमें, मैंने देखा नहीं, वो शरारते बचपन। तो मैंने क्या कि मैं कि अपने को 30 मार्क कम समझता हूँ कि मैंने अपने साथ जो टीम ली थी उसमें चाइल्ड एजुकेशनिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, एजुकेशनिस्ट, पेंटर, प्लस थिएटर पीपल, 6-7 लोग हम थे 50 बच्चों के लिए।
एंड क्लास वॉज टू बी साइमल्टेनियसली विल बी वर्किंग विद देम, यानी कि एक मास्टर आएगा दूसरा जाएगा, विल बी ऑल वर्किंग लाइक अ वर्कशॉप. एंड देन वी वर्कड आउट स्ट्रेटजीज आवर गेम्स. काफ़ी कुछ हमें छोड़ना पड़ा क्योंकि जो हमने प्लान किया था वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगता, क्योंकि इनकी जो मदद थी बच्चों की दैट हैड टू बी टेकन केयर ऑफ. एंड आई कैन से कितना काम हुआ, साइकोथेरेपी एक्सरसाइजेस, क्रिएटिव एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन एक्सरसाइजेस, फ्रीडम एक्सरसाइजेस, एनवायरमेंट में ले जाओ. 12वें दिन पेंटिंग, पोएम्स, कहानियां, एक्टिंग, डायरेक्टिंग अ स्टोरी, मेकिंग अ स्टोरी. हम तो कुछ, हम वी आर लाइक कैटलिस्ट, हम कुछ नहीं लेक्चर पर, कैटलिस्ट की तरह दे मेड देयर स्टोरीज, दे परफॉर्म्ड एंड वी बॉट सम पीपल टू वॉच इट. एंड आई रिमेंबर सम ऑफ द पीपल फ्रॉम द वैली सेड, मेरा हाथ पकड़ के एम के तुम नहीं जाएगा, तुम्हें जो चाहिए हम देंगे, ये वो काम है जो यहाँ कोई नहीं कर पाता है, वो सोचता है. सो देन आई केम टू कश्मीर, तो कश्मीर में भी माएँ आई, इधर से क्या कहते हैं कैंप से आई, उनको भी घर आना था थोड़ा देखा. ये बहुत मैंने लिखा है एक बहुत बड़ा एक ऐसे इस पर, हाउ वी अप्रोच द चिल्ड्रन. तो वहाँ से शुरू हुआ, उसके बाद वर्कशॉप शुरू हो गए नौजवानों के, बच्चों के, लड़कियों के, वो शहर में. उसके बाद कुछ साल के बाद 2004 या 2005 से मैं देहात की तरफ गया, जो असली मेरा एरिया है थिएटर का. आई यूज फर्स्ट थिएटर टू नो पीपल, टू थेरेपी, टू रिलैक्स, टू नो द होल डे एंड बी क्रिएटिव, बी पॉजिटिव. माइंड में एक नेगेटिविटी इतनी बसी हुई थी, जमी हुई थी, उसको कैसे निकाले सो दैट कॉन्फिडेंस, अपनी कॉन्फिडेंस वापस लाए, वो तो कहना चाहे कहे. मुझे आज भी याद है जब बच्चे पहली बार आए तो कोई बोल ही नहीं रहा था, मैंने कहा देखो ये वो जगह है जहाँ तुम जो कुछ बोलना चाहोगे मन करेगा बोलना है तुमको, तो बोलते नहीं थे. फिर एक दिन बोले हमें नहीं करना जो तुम करा रहे हो. आई वॉज द हैप्पीएस्ट पर्सन, क्यों पहली बार उन्होंने वो कहा कि वी रिजेक्ट वॉट यू आर डूइंग. तो फिर थोड़ी देर के बाद सर गलती होगी, मैं कहा नहीं आज तुम लोगों ने वो किया तुम सोचने लगे हो, तुम अपनी अपने गुड एंड बैड को वैल्यू करते रहोगे, वी विल बिल्ड ऑन दैट. एंड दैट इज व्हाट वी डिड, वी केप्ट ऑन डूइंग. भानुपत्र का अलग ही रिकंस्ट्रक्शन था उसका, वो बहुत ही अलग ही पैथेटिक स्टोरी है. क्योंकि कल्चर जब सियासत आ जाती है तो कल्चर की तरफ कोई नहीं देखता. कश्मीर की ये जो ट्रेजिडी है, कल्चर जो हमारी बुनियाद थी, जो हमारी कॉर्नर स्टोन थी, जिसको हम कह सकते हैं वो फाउंडेशन थी, वो हिल गई है. तो उसकी तरफ एड्रेस करना डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है. और मुझे लगता है स्टेट इतना बिजी है अपने बाकी कामों से, कल्चर इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट देम. व्हाट डिश कैन हेल्प पीपल विद दैट, दैट स्टोरी इज दैट. सो नॉस्टैल्जिक, मैं तो बिल्कुल वही पहुंच गई सर. सो नॉस्टैल्जिक, मैं वही पहुंच गई सर. हमारे साथ अय्याज शारिफ साहब जुड़े हैं कश्मीर से, हमारे साथ जमीर अशाई साहब जुड़े हैं, हमारे साथ कुसुम धर जी जुड़ी हैं, हमारे साथ मनोज शर्मा जी जुड़े हैं, हमारे साथ किरण शिवपुरी जी जुड़ी हैं, वीना मेहता जी जुड़ी हैं. मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ. जितने भी एस्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, अनीस आजमी साहब जुड़े हैं. मैं सर टैगोर हॉल की अगर हम बात करें, तो जब पहली बार टैगोर हॉल खुला इतनी मुश्किलों के बाद, तो वो आप ही थे जिन्होंने टैगोर हॉल में एक नाटक लेकर आए. वो कैसा एक्सपीरियंस था सर, इतने सालों के बाद फिर से टैगोर हॉल में नाटक करना, टैगोर हॉल को रिवाइव करना? क्योंकि शहर में कुछ हो ही नहीं रहा और हम पहला वर्कशॉप जो किए, जगह कहाँ मिलेगी, सिक्योर कहाँ. तो शेर कश्मीर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों से हमारे दोस्त ने रिक्वेस्ट किया, तो हमको वहाँ स्टूडेंट्स नहीं थे लकली, तो हमें एक हॉस्टल मिल गया पीछे, और हम पहाड़ के पीछे छुपे हुए थे. वहाँ अगर आप जाएंगे शालीमार के पास तो आप देखेंगे वो बिल्कुल अंदर है, और हम बिल्कुल ही अंदर गए थे. तो वहाँ काम कर रहे थे और पहले डरते थे कि बाहर भी करेंगे कोई गड़बड़ तो नहीं. तो बगीचे में आए, बगीचे में थोड़ी देर किया, वहाँ शालीमार के गाँव के जितने लोग आते थे शाम को 50-60 लोग देखते थे हम. फिर हमने कुछ कश्मीरी, मेरा ये था दो चीज़ हमारे कश्मीर में जो मुझे लगता है हमसे भूल हुई है बुजुर्गों से या क्या भी हुआ है, वो ये है कि हमने
अपनी कश्मीरी जबान को ज्यादा सेलिब्रेट नहीं किया। हमने एक अजीब सा कॉलोनियल माइंडसेट से ये हुआ कि हम उर्दू हमारी मादरी भाषा है, अंग्रेज सीखेंगे तो तभी हम कल्चर हो जाएंगे। विद द रिजल्ट हमारी कश्मीरी जबान जो है जो उसमें जितनी सोच समझ बूझ बूझ इमेजिनेशन क्रिएटिविटी एक्सपेरिमेंटेशन जो है जो हमारे शायरों ने की है जो हमारे राइटर्स ने प्ले राइट्स ने की है जो हमारे एक्टर्स ने की है उसका ज्यादा कहीं है ही नहीं, रिकॉर्ड ही नहीं कहीं है। तो मैंने कंडीशन रखी कि भाई ये सब काम हमारा कश्मीरी में होगा और कश्मीरी राइटर्स का होगा। तो क्या करें क्या करें, तो हमने कुछ पांच छह कहानियां निकाली। हरे कृष्ण कौर की एक कहानी थी शमशान वैराग, और कामिल साहब कामिल की कहानी थी वो क्या है उसका नाम कफन चोर, इस तरह चार कहानियां निकली। एंड वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन देम क्रिएटिंग अ परफॉर्मेंस आउट ऑफ वी डिडंट चेंज अ वर्ड। कश्मीरी भाषा वही शब्द जो कामिल साहब ने लिखे उन्हीं को हम एक्ट करेंगे। वी आर नॉट राइटिंग ड्रामा, वी आर नॉट राइटिंग इट, सो दैट कान में आप अपने मकबूल राइटरों के शब्द तो सुने, अल्फाज तो सुने, कितने अच्छे हैं कितने मीठे हैं। तो ये सिलसिला हुआ तो फिर हो गया खत्म। अरे थोड़ी खुजली हो गई हमारे लोग, नहीं हम करेंगे थे, मगर मरोगे टाइगर हमें मारेगा कोई, कैसे कर सकते हैं, नहीं नहीं करेंगे। तो मैं कहा चलो, फिर ये हुआ कि 2 बजे शो कर सकते हैं, 4 बजे तक घर जाना है सबको। जब वहां बुकिंग मिली गए एंड एकेडमी डिड नॉट गिव अस फ्री, वी पेड फॉर दैट, तो ठीक है हमारे पास था नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का सपोर्ट था, सो आई गिव देम द ड्रामा स्कूल गेव मी द फंड्स टू डू वर्कशॉप एंड माय फ्रेंड्स हेल्प मी टू गेट द स्पेस एंड दे वर टेकिंग केयर ऑफ मी टू बी ऑनेस्ट। उसमें सलीम बेग है, निखत पंडित है, उनके हस्बैंड शफी पंडित साहब है, नईम अख्तर साहब है, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वे वेल मीनिंग, उनको किरशाद लगा कि ये काम ठीक ही है, इसमें कुछ नहीं ऐसा है, तो दे विल वो काइंड में कोई बस कुछ था ही नहीं, हालात ऐसे थे, बट देर काइंड वर्ड काइंड एडवाइस थोड़ा गाइडेंस वो चलता था। और हाल बनता, एक बार जल भी गया था, फिर ठीक हो गया था, वो आता कोई नहीं था। तो हम जब गए तो अंदर धूल देखी मैंने सीटों पर, मैं कहा उठो भाई पहला वर्कशॉप धूल धोएंगे, करते करते मैंने कहा आने लोग ज्यादा से 100 लोग आएंगे, ये लाएंगे घर वाले, बट टू माई सरप्राइज आए पार्टिसिपेंट थे बड़े कमाल के लोग थे, उन्होंने अपने गांव में बस की थी। मैं सडनली देख रहा हूँ गांव के लोग आगे 3 बसें आ गई, हैड अ पैक्ड ऑडिटोरियम। आई स्टिल रिमेम्बर इट वाज July 20th, 2001 एंड व्हेन वी डिड द परफॉर्मेंस इट बिकेम इट वॉज वेरी मूविंग परफॉर्मेंस। राय साहब थे वहां, अपने कामिल साहब थे, दे कुडंट बिलीव कि दिस कैन बी डन पर स्टोरी। और हमने कोई सेट नहीं लगाया कुछ, क्योंकि था ही नहीं थी हालत के हम सेट लगा पाए ये करें, तो वी डिड इट। तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट रहा फिर मामला, तो कितना हर साल में आता था, 1 महीना 1.5 महीना में शहर में वर्कशॉप करता था, उस बीच बच्चों का थोड़ा सा होता था कुछ, एक वहाँ पर हेल्थ फाउंडेशन के बच्चे आते थे जो ऑफने चलाते हैं निकट पंडित हेल्थ फाउंडेशन के, उनको हम सेपरेट वर्कशॉप करते थे साइमल्टेनियसली, जगह कोने में इनका भी करेंगे। तो एज मैक्सिमाइज माई टाइम, क्योंकि हमारी एक ट्रेजेडी ये थी कि हमारा घर नहीं था वहाँ की रहते, तो ज़्यादा टाइम लगाते, हम एक होटलों में रहते थे, तो जब बजट खत्म होता तो पैकअप होना करता था। तो प्लानिंग ऐसी होती थी, अगर हमारे पास पैसे नहीं दे रहे होते घर के, या कोई ये कहता नहीं भाई तुम लोग रहो 3 महीने तुम्हारे पास ये कमरा है, वैसा हुआ नहीं कभी। तो दैट ऑलवेज प्रॉब्लम, वर्कशॉप कहाँ करेंगे वाज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। दूसरा वर्कशॉप दोस्तों ने 2 साल तो शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर, 3रे साल हमने किया बख्शी स्टेडियम के सामने इंडोर स्टेडियम है, वो है था उन दोनों पासपोर्ट ऑफिस, वहाँ जगह मिली, बट इट वॉज अ डेंजरस प्लेस, क्योंकि बाहर जितने भी सोल्जर्स मरते थे उनकी रीत सेरेमनी होती थी, और वी यूज्ड टू गेट चिल्स एवरी डे, 4 or 5 सोल्जर्स रीत सेरेमनी, और उनको बेचारों को अपने अपने गांव ले, मतलब मातम साथ साथ चलता था, मतलब जी आते क्यों आज कुछ हो रहा है क्या, हाँ टेंट लग गया, वो होगा ये होगा, टिल वन डे 11 CRPF men were killed
एक अटैक जबरदस्त हुआ था, विदाइन अटैक, एंड दैट डे वी कुडंट वर्क. इट वाज सो डिस्टर्बिंग, इट वाज वेरी डिस्टर्बिंग. यू नो इट्स व्हेन यू वर्क इन अ कॉन्फ्लिक्ट एरिया टू कीप अपनी सैनिटी रखना और अपने बच्चों के जिनके साथ आप यंगस्टर के काम उनकी सैनिटी रखना, उसके बाद क्रिएटिविटी करना, ये बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है. तो पहले तो हमें अपने को संभालना पड़ता था. मतलब यू नो मेरा एक हमारे एक ड्राइवर था हुसैन, वो भाई जैसा है मेरा, बहुत दोस्त है मेरा, और मेरे स्कूल में ही पढ़ता था वो भी, पर धीरे धीरे पता चला. वो एक एक कहता तू क्या मिलिट्री में पैदा हो गया, मेरे क्या हो गया तुझे भाई, कहने लगा हर बार काम कर, एक दिन छुट्टी देते ना किसी को आराम देते हो, या इतने हजार उम्र से आते हैं तुम भी कभी जाते. मैं कहा यार उतना टाइम नहीं अपने पास नहीं होता है. फिर उसी ने एक बार, मैं गांव में था 6-7 साल के बाद वहां, उसने कहा नहीं तुम फ्राइडे को ये बंद करो, क्योंकि मैं अकिन गांव में काम करता था, पहलगाम जाओ तुम 2-3 दिन के लिए. तो मैंने कहा यार मेरे ये जो लोग आते हैं मेरे साथ काम करने, बेचारे भी कहते होंगे ये कभी नहीं करता यह सब. मैं कहा नहीं, फ्राइडे को ये नमाज पढ़ने जाएंगे, हम पहलगाम जाएंगे, सैटरडे को, संडे शाम को वापस आएंगे. दैट वॉज बिलीव मी द ओनली डे व्हेन आप फॉर 10 years 12 years जो काम कर रहे थे हम, एक दो बार 2 दिन में हम गए कहीं थोड़ा सा. इट इज अ डिफरेंट नॉर्मल थिएटर, इट्स नॉट नॉर्मल. अच्छे कपड़े पहन के जैसे दिल्ली में हम कमानी में जाते तो वो अच्छे कल्चरल ही नहीं. दिस कल्चरल एक्टिविटी इज रिकंस्ट्रक्टिंग हार्ट्स. तो इसे मैं कह नहीं सकता, लेकिन हमारे सारे लोग यहाँ से आ रहे थे सर, हम भी जाते, मेरे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, मैं तो पूरी पलटन वहां पहुंच जाती. इंटरनेशनल लोग देखा भी तो इंडिया से भी बहुत सारे आते थे, बट वी कुड कीप देम. ऐसा कोई कैसा कोई अपॉर्चुनिटी का कोई ऑफर भी नहीं कभी आई स्टेट से. मैं शिकायत नहीं कर रहा हूँ स्टेट की, बट स्टेट की मुझे ये कि ये कहते हैं ना डिस इंटरेस्ट जो है वो अपने लोगों के प्रति ऐसा हो जाए तो क्या कर सकते हैं. तो वी कुड डू एज मच एज आई कुड डू विथ माई ओन रिसोर्सेज, माई डियर फ्रेंड्स कश्मीरी रिसोर्सेज, जो मेरे दोस्त हैं वही मेरी पूंजी है कश्मीर में. जब जो करे कब आएगा कब आएगा, या कोविड में जा नहीं पाया मैं आप, तो आप कह, मैं कहा यार देखते हैं शायद अप्रैल में एक बार. कल ही फोन आया, क्योंकि कल शिवरात्रि थी, हैरत थी, मेरे गांव से फोन आया वहाँ अपने भांडू से, दीदार तो दे दो. मैं कहा नहीं आपकी बात कोशिश करेंगे मिलेंगे, क्योंकि वी आर रियली लाइक अ फैमिली नाउ. मतलब उनका दुख सुख भी जो है वो मैं मतलब हंसी मुझे आती है. एक दिन वहाँ के गाँव में उनका कोई क्राइसिस हो गया, मैं गाँव में था, रैना साहब को ये फैसले में बैठेगा पंच, मैं पागल हो गए मुझसे क्या पैसा कराओ, नहीं हमें तुम भरोसा है तुम ठीक करो. और थोड़ा मेरी मीटिंग की, मैं कहा यार तुम सॉर्ट आउट करो क्या. एक छोटे से आंगन और एक अखरोट पेड़ की लड़ाई थी, ज्यादा लड़ाई नहीं थी, बट इट वॉज. बट आई थिंक व्हाट आई जो मेरा 90s में जो दुख था, लॉस था, गम था, वूंड्स थे, दिस वर्क हैज हील्ड मी. ये मैं, दिस इज अ गांधियन प्रिंसिपल. If you want to, you work yourself there. और बातें नहीं करो गुस्सो आग में, वहां देखो क्या. बहुत बार ऐसा नहीं कि बड़ा सुख था हमें, बहुत बार क्रॉस फायर में फंस गए, पथराव हमारी गाड़ी को, हम मर मर के 2-4 बार बच गए. मैं एक बार वो उसमें फंस गया, वो एक हुआ फिदाइन अटैक हुआ टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर पर, मैं अंदर फंस गया वो 20 मिनट फायरिंग में, हरमंगामा फायरिंग. वो मुझे नहीं लगता था कि मैं निकलूंगा भी यहाँ से कि नहीं, बट यू कीप योर कूल, यू डोंट, एंड आई केम आउट. द पॉइंट इज हमारा जो साउथ एशिया है, दैट मींस इंडिया पाकिस्तान, इज अ वेरी ट्रबल्ड एरिया. अगर हम लोग सेन वॉइसेस नहीं क्रिएट करोगे, जो क्रिएटिव वॉइसेस नहीं करोगे, वी आर इन अ बिग प्रॉब्लम. एक बार मुझे एक नेपाल के एक इंटेलेक्चुअल ने मुझे हिंदुस्तान का नक्शा दिया, गिफ्ट किया, लेकिन प्रिंट किया था उल्टा, श्रीलंका ऊपर थी. मैं ये क्या है भाई, तो उसने कहा मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ,
तुम हिंदुस्तानियों को लगता है कि तुम लोग बड़े सेफ हो, सी हाउ यू आर सराउंडेड एंड ऑल आर डिस्टर्ब्ड कंट्रीज, पाकिस्तान, नेपाल, अफगानिस्तान, एंड यू जस्ट रिलैक्स, यू जस्ट थिंक अबाउट दिस थिंग. तो मुझे लगता है कि हर शहरी का, हर सिटीजन का ये फर्ज बनता है कि अपने देश के लिए कुछ वक्त अपने पेट के लिए दूसरों के लिए कुछ करें, सर्विस. वो इतना मुझे इसलिए सिख धर्म और अपना ये जो जितने भी है सेवा का भाव जो है ना, सेवा जिसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपके 24 घंटे में कुछ घंटे सेवा के लिए रखना पड़ेगा. और ये मुझे कश्मीरियों ने सिखाया, मैं मेरे माँ बाप से, तो आई वुड गिव क्रेडिट टू देम, उन्होंने मुझे शक्ति दी कि मैं, और मेरे टीचर्स ने जिनसे मैंने सीखा, दिल्ली में सीखा, अपने दोस्तों जो मेरे टीचर भी हैं, हम एक दूसरे के टीचर भी बनते हैं बहुत बार, एंड उसमें क्रिटिसाइज करते हैं हम, वी रिप ऑफ ईच अदर फॉर सम गुड थिंग, सम वेरी गुड कॉज, एंड कश्मीर इज माई डियरेस्ट कॉज. इफ आई कैन शब्बीर मुजाहिद सर हमारे साथ कश्मीर से जुड़े. शब्बीर मुजाहिद साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं, रैना साहब डिड अ ग्रेट वर्क ड्यूरिंग 90s, केप्ट थिएटर मूवमेंट अलाइव, पर्टिकुलरली फोक थिएटर की अगर हम बात करें तो उन्होंने बहुत काम किया कश्मीर में फोक थिएटर को लेकर, एंड एक ओपेरा ऑन मल्टी कैमरा सेटअप फॉर डीडी कश्मीर, आदम का आदम जो नाम था ये दिखाया है, डायरेक्टेड बाय रैना सर, इट वॉज अ टोटली ए मास्टर पीस. वह शब्बीर साहब आपके लिए लिखते हैं, शब्बीर हैदर सर. There was this new thing they had done in Kashmir. Young guzar gaye tum bahut 46 or 70 to unhone mujhe kaha ki play bana, halanki it was done very fast, jaldi jaldi karna kashmiri mein jaldi bahut hoti hai, to wo production mein kya tha wo, that was in 2005 I think, uska music mere paas, it was a very good music, langu sahab ne लंगू सर तो कमाल. किरण शिपुर जी लिखती हैं कि कश्मीरी जबान सुनने को तरस जाते हैं सर, ये सच बिल्कुल सही बात है कि हम लोग कई बार कश्मीरी जबान को सुनने के लिए सच में तरस जाते हैं और कोई कश्मीरी बोलने वाला नहीं मिलता यहाँ पे, खास तौर पे अगर हम दिल्ली की ही बात करें तो. सर हमारे साथ अनीस आजमी जी हैं, मनोज शर्मा जी हैं, बहुत सारे नूतन सूर्या जी हैं. तो कबीरा खड़ा बाजार से जो 1980s में जिसको शोले कहा जाता था, इतना मकबूल नाटक था वो, और कबीर की भूमिका में मनोज शर्मा जी थे, और उन्होंने मुझे खास तौर पे कहा कि इस बारे में मैं आपसे जरूर बात करूं. क्या बात करें, पूछना क्या चाहता है, वो डॉक्टर था खुद उसमें, उसने पूछा नहीं तो हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए रिसोर्सेज ही क्या है. तो दैट वाज अ माइलस्टोन प्रोडक्शन इन थिएटर इन दिल्ली, साल किया, और उसके बाद जितने भी प्ले हो उसी में से थोड़ा कमाते थे और दूसरे प्लेस हो पाते थे, and it we got all awards, so state ke the sare ne maar diye, lekin manoj bahut acha singer bhi raha, wo uspe bahut acha gaata tha kyunki usme music bahut tha, aur kabir ki jeevani again mere zindagi mein jo maine bhi kiya, kabir is the voice of india, unke jo aaj bhi jab aap dekhte hain itna strife hai desh mein, communal strife hai, hindu muslim hai, kabir ki wani ek आपको एक दीपक की तरह जलती दिखाई देगी, मतलब वो आपको वो संदेश देता है, वो प्रेम का संदेश देता है, जो कि आपको कितने साल पहले, 14 सेंचुरी की बात है, आज भी उतना ही ज्वलंत है, आज भी उसको आप यू आर इंस्पायर्ड बाय हिम, बाय नानक, बाय रायदास, बट ये समझना उसमें जरूरी था कि कबीर, रायदास,
पीपा, राम मनोज, नक, बुल्ले शाह, ये सारे अलग अलग प्रादेशिक भाषाओं में एक रेवोल्यूशन लाए थे। भाषा पंडितों के हाथ से निकाल के उन्होंने अपने हाथ में ले ली इंसान के साथ नजदीक जाने के लिए, और वो जरिया बताया कि भगवान तेरे दिल में भाई, अगर तुम अपने को पहचानो तो जो ढूंढना नहीं उसको कहीं, इस विद इन यू, जो ही डियो तो ही मिलियो, हर सांस के सांस में, तेरी सांस के अंदर है और कहीं नहीं है। और उसके बाद प्रेम का संदेश, कोई प्रेम के प्रेम जुलाओ, बुझ के खम्ब और प्रेम के रस, तन मन आज जुलाओ, कोई प्रेम के प्रेम जुलाओ। देश में अगर प्रेम के प्रेम जुलेंगे बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी चीजें शांत होंगी, अच्छी होंगी। वो ये 14वीं सदी में कहा है कबीर ने। और ये सारे जितने भी थे, ये हर रीजनल लैंग्वेज में तुकाराम मिलेंगे आपको, आपको गुजरात में भी, और ये मूवमेंट ये निचले तबके के लोगों ने की, कोई समझता सूफी भक्ति और कितना नाम पर क्या बात कही है, सूफी ना कोई अली अली, हम तो किसी को ये नहीं पता उन सूफियों ने जान लेवा सैक्रिफाइसेस की। सूफी इतिहास बलिदान का इतिहास है, त्याग का इतिहास है, प्रेम का इतिहास है। तो जो उन्होंने काम किया उस वक्त, उसको आज तक रेलेवेंस इसलिए मिली है क्योंकि वो उन्होंने पंडित भाषा में या मौलवी भाषा से निकल के जनजाति के जन लोगों की जो आम भाषा, लोक भाषा जिसे कहते हैं, उसमें बात हुई। चाहे उसमें ललित थी, चाहे उसमें आपका ये कबीर थे, रैदास थे, बुल्ले शाह था, शाह सुल्तान थे, बाबा फरीद थे, सबका ये मैसेज एक कमाल है। तब तो कम्युनिकेशन भी नहीं था इतना, लेकिन मैसेज गजब का निकला। हमारे साथ सर हेमा जी जुड़ी हैं, हेमा सिंह जी जुड़ी हैं, हमारे साथ नूतन सूर्या जी जुड़ी हैं, सुधा पुरी जी जुड़ी हैं, वीना मेहता जी मुंबई से जुड़ी हैं, जमीर अशाई साहब लिखते हैं कि आई हैव ग्रेट रिस्पेक्ट एंड रिकॉर्ड फॉर जनाब एम के रैना एंड आई एम फीलिंग सो प्राउड दैट इज ही इज फ्रॉम आर स्टेट। यस आई एम ऑल्सो वेरी प्राउड, प्राउड, रियली प्राउड। तो सर जो नए परफॉर्मर है, यंग परफॉर्मर है, युवा पीढ़ी की अगर हम बात करें तो आप उनको क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जो कला का जो रास्ता है बहुत आसान नहीं होता, तो आप एज एन एक्सपर्ट क्या उनको कहना चाहेंगे? देखो आजकल दुनिया में सब लोग चाहते हैं कि जल्दी से ऐसे करोड़पति कैसे बने, कल्चर में करोड़पति नहीं बनते, लेकिन आपका मन जो होता है वो करोड़पति से भी ज्यादा होता है। करोड़पति तो दिन भर टेंशन में रहता है, उसका वो होगा क्या कहते हैं वो शेयर मार्केट कट गया कि क्या होगा, मार्केट का क्या होगा, अरे हमको वो चिंता ही नहीं है। आई मीन टू बी ऑनेस्ट, आई नेवर, ये कोई तारीफ नहीं अपनी मैं कर रहा हूँ, बट आई टूडे थिंक दैट आई नेवर थॉट अबाउट मेकिंग मनी, डिडंट आई डू दैट, मैं इतना क्या मस्त हो गया, सिर्फ काम में करता, दोस्तों के साथ रहता था, बट मेरा सफर अच्छा रहा। मैं अपने को ये नहीं कह सकता कि मैंने अपने को धोखा किया। मेरे बगल में जो रहता हूँ, माई कंपैशन इज स्टिल अलाइव, माई वरी अबाउट द पोअर इज स्टिल अलाइव, आई फील ब्लेस्ड। एंड नई पीढ़ी की आप बात करें, आई थिंक दे नीड टू नो इट। मानवता भूगोल में जो ये धरती है ना, हमारी गोल सी धरती है ना, इसमें ज्यादा गरीब लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं जो अमीर हैं। हमें वो रास्ता ढूंढना है कि इस सारी मानवता को कैसे उठाए, क्योंकि धरती, मुझे डर लगता है किसी भी दिन कोई पागल आके वो न्यूक्लियर बम उसने फोड़े नहीं, बाकी मिलकर फोड़ेंगे तो धरती ही नहीं रहेगी। धरती पर इस वक्त इतना अनुशक्ति है
कि 300 बार इस धरती को खत्म किया जा सकता है। तो यू शुड अंडरस्टैंड कश्मीर जहां है उसके दाएं भी न्यूक्लियर बम है, बाएं भी और सब के पीछे भी। तो हमको वो सियासत करनी होगी, वो जिंदगी देनी है अपने लोगों को, अपने देश के लोगों को, बरसगीर के लोगों को वो जिंदगी देनी है जो कि इस धरती को, इस एनवायरनमेंट को आप जिंदा रखे। हम बीज बनाने हैं, हमें बीज बोने हैं ताकि बच्चे भी आए वो भी बीज ही बोए और फसल आए वो अगली पीढ़ी खाए, उसके बाद कोई खाए। ये नहीं कि मैं सब घर ले जाऊंगा, कितना ले जाऊंगा, आफ्टर ऑल व्हाट इज माय लाइफ, 70 years, 75 years, इट्स लाइक अ थिएटर, वन डे यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम देयर प्ले, बट यू डोंट लीव अ प्ले विदाउट एनी कंपैशन, विदाउट एनी ह्यूमैनिटी इन इट, यू डोंट डू दैट। सो आई थिंक फॉर देम व्हाइल दे विल गो फॉर द करियर्स, व्हाइल दे विल गो फॉर दिस, स्पेंड लॉट ऑफ योर टाइम विद कंपैशन। कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसके लिए डरो नहीं। वो आप देखते हैं ना, मैं नौजवानों के लिए एक मिसाल दूंगा, जब आप पुराने राम की तस्वीर देखते हैं वो मुद्रा यूं है, अभय, डरो नहीं। कृष्ण को देखेंगे ये मुद्रा, क्राइस्ट को देखेंगे वो भी मुद्रा ये भी है उसकी है, बुद्ध को देखते हैं वो भी मुद्रा है। लेकिन बुद्ध की मुद्रा में मुझे एक अजब चीज थी, मैं भी एक स्कल्पचर देखा था उनका, उसको कहते हैं भूमि स्पर्श, वो बिल्कुल लोटस पोज में है, बिल्कुल अपनी ध्यान में है, एक हाथ उनका यूं है और एक हाथ धरती को छुआ हुआ है, एंड इज मेडिटेटिंग ऑलमोस्ट कीपिंग टू एंटेनास अलाइव, ऊपर का भी और नीचे, कि कितना भी बुद्ध ऊपर जाए, ईश्वर को ढूंढे, ये सोचे, मैं धरती के स्पर्श को नहीं छोड़ सकता। जिस दिन हम उड़ना चाहते हैं और धरती पे लैंड करना है ना, उसके लिए एयरपोर्ट तो चाहिए ना कहीं, जहाँ पर लैंडिंग स्ट्रिप मिलेगी, वो नहीं मिलेगी तो तुम ऊपर ही उधर उसमें रहोगे, क्या कहते हैं, स्पेस में रहोगे, नीचे आने की जगह नहीं होगी। वो एक कहते ना, नो, वो इस्लाम में शायद है कि तब तक खाना नहीं खाना जब तुम्हें पता नहीं चले कि तेरे नेबर ने खाना खाया कि नहीं। These are our own people who have taught us these things. वो बहुत जरूरी है। बाकी हम अपना काम करें, प्ले करें, बड़ी वो चीज है। वो राही मासूम रजा की एक पोएम है, वो दो तीन लाइनें सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि अयोध्या के संदर्भ में उन्होंने लिखा, मस्जिद तो अल्लाह की निकली, मंदिर राम का निकला, लेकिन मेरा ये लावारिस दिल किस काम का निकला, बंदा किस काम का निकला, बंदे पर बात है, बंदा बनना पड़ता है ना। बहुत खूबसूरत मैसेज टू यूथ, डू व्हाट एवर यू वांट टू डू, घूमो अपने। सबसे ट्रेजेडी है कि हमें देश के बच्चों को देश नहीं पता, यहाँ क्या क्या, यहाँ क्या, कितने धर्म है, यहाँ कितने लोग रहते हैं, कैसे कैसे विभिन्न प्रकार के खाना खाते हैं, अलग अलग संप्रदाय हैं, अलग मतलब साधु ही देखा तो करोड़ों किस्म के साधु, इतनी वैरायटी है, वी आर ब्लेस्ड विद दैट, सो मेनी लैंग्वेजेस, सो मच ऑफ म्यूजिक, सो मेनी इंस्ट्रूमेंट्स, सो मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ थिएटर, फॉर्म्स ऑफ नैरेटिव, समंदर का समंदर है। तो उसको प्रिजर्व करो और उसको ऐड करो, सब्ट्रैक्ट नहीं करो। वाह सर, बहुत खूबसूरत बात। और वाकई अयाश अली साहब पूछ रहे हैं, हेलो, बोलिए बोलिए। जी सर, अयाश अली साहब ने पूछा है कि अगर हम कश्मीरी फोक की बात करें, खास तौर पे बांध पत्थर की बात करें या कोई भी कश्मीरी फोक की बात करें, तो जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, वो कहीं ना कहीं उनसे अलग हो रही है, आपका क्या कहना है इस बारे में, कहां देखते हैं आप उन फोक प्लेटफॉर्म्स जो हैं, खास क्या कहेंगे?
कॉल, वेक अप स्टेट के लिए, वादी कश्मीर के लिए वेक अप कॉल है। जिस दिन अपने वादी कश्मीर के लोग ये अपने दिमाग से निकालें कि वो बैकवर्ड है, जो फोक है हमारा, वो पशु नहीं है, वो रेवोल्यूशनरी नहीं है कल्चर, उसका फॉर्म जो है मॉडर्न नहीं है, और उसको समझने की कोशिश करें। ये इसी पैच वर्क से कुछ नहीं होता। जब बीमार होता है तो या तो उसको ऑपरेशन करते हैं या आप उसको किसी हकीम के उसकी पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन करता है। हमारे यहाँ तो फोक की कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है। आई मे बी डूइंग इट फॉर माई सेल्फ एंड थ्रू माई रिसोर्सेज, वी आर ट्राइंग टू डू सम अनदर बिग प्रोजेक्ट विच आई होप वी डू इट, एंड जिसमें हम लोग इंटरनेशनल स्कॉलर्स को भी साथ लाएंगे टू डू इट ऑन अ मच बिगर स्केल। बट द स्टेट हैज टू वेक अप, आवर एकेडमी हैज टू वेक अप, स्कॉलर्स, कश्मीरी डिपार्टमेंट है उसको करना चाहिए काम इस पे। ये जबान का काम, इसी जबान आपकी माँ है, और ललदत हमारी माँ ही तो है ना, फिर जबान की माँ हमारे पास है, तो ये कोई याद दिलाने की भी जरूरत नहीं है। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई हैव यू नॉट यू डन इट। हर 10 साल के बाद हम कहते हैं हाँ जी ये गया गया, अब पता नहीं क्या होगा। भांडू तो नहीं छोड़ा ना, दे आर डेडिकेटेड, दे आर डूइंग वट एवर इन द worst poverty, under oppression, under terrorism, they have done it. When I went there, at least it was there. Yeah, their children had left it. Then gradually, now you see all children are coming back to do it. फिर करने लगे हैं वो। खत्म ही वहाँ है वहाँ, but उसको आगे लेना, आगे बढ़ाना है। उसको मतलब हमने अपनी स्तर पे कोशिश जो की, ठीक है। वो एक स्टेप है, वो मेरा बड़ा स्टेप नहीं है। To create an institution of folk culture of Kashmir, to create institution of folklore for language, we celebrate every day our language. आप केरला में जाइए देख लीजिए, बंगाल में जाके देख लीजिए, और असम में जाके देख, आप मध्य प्रदेश में जाके देख लीजिए, किसी तबके को अलग नहीं छोड़ते मोरो कल्चर में। Why is not this state doing? मेरी समझ में नहीं आता। Hello, where are you guys? जी सर मैं यही हूँ, सर मैं यही हूँ, सुन जी जी सर, जी सर, जी सर। जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं तो कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। जी सर कोई बात नहीं, कैरी ऑन कैरी ऑन। जी सर बहुत ही खूबसूरत सर बात आपने कही, मतलब नहीं सर आपको सुनना इस सो मिसमराइजिंग, इतने खूबसूरत कमेंट आ रहे हैं। मैं सर तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी आपका, जबकि हमारे यहाँ नेटवर्क का भी इशू होता रहा थोड़ा थोड़ा बीच बीच पे, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म ये होती है। लेकिन आपको सुनना सर, खास तौर पे जो आपने कश्मीर की बात कही, मैं तो वहीं चली गई और मुझे वो सब कुछ याद आ गया जो 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 आप कह रहे थे। कश्मीर तो रूह में बसता है सर, और हम जितने भी कश्मीर से हमारे साथ इस वक्त लोग जुड़े हैं सभी कह रहे हैं वी आर सो प्राउड ऑफ यू, एंड मैं खुद वी आर रियली सो 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 प्राउड ऑफ यू कि आप हमारी स्टेट से हैं, हमारे कश्मीर से हैं। तो सर मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आपको। सुभाष गुप्ता सर हमारे साथ जुड़े हैं, लिखते हैं गुड टू सी यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स आवर प्रिविलेज कि आप यहाँ आए, इस मंच पर आए, और आपने इतनी खूबसूरत बातें, इतनी आपकी जो इंस्पिरेशनल जर्नी थी, खासतौर पर कश्मीर की जो बात आपने की, तहे दिल से शुक्रिया सर। सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी जितने भी एस्टीम व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े। और डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये इंटरनेट का थोड़ा थोड़ा मसला तो रहता ही है, और सर तो बाहर से थे और वहां थोड़ा सा मसला, लेकिन इतनी खूबसूरत और इतनी मेसमराइजिंग सर ने अपनी बातें शेयर की, वाकई उनको सुनना एक बहुत ही इट्स लाइक फीस टू द इयर्स उनको सुनना, जो उनकी इंस्पिरेशनल जर्नी है उसको सुनना। आप सब साथ हमारे साथ रहे इस जर्नी में, आज की शख्सियत में बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आप सभी का तहे दिल से, बहुत
बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार फिर से एक और नई शख्सियत के साथ। और कल शनिवार है, कल हमारा हमारा म्यूजिकल इवनिंग है। कल हमारे साथ जुड़ेंगे राजेश भगत साहब, तो जुड़ेगा कल शाम को 8:30 बजे हमारे साथ म्यूजिकल इवनिंग में। मिलते हैं तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार और शुभ रात्रि।